बोले बाबा तुझे आना होगा, दम 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 रू बजाना होगा। प्रकृति की गोद में बसे झारखंड की पहाड़ियों में है देवों के देव महादेव का अलौकिक धाम। हजारों वर्षों पूर्व जमीन से निकले आप रूपी शिवलिंग 4000 फीट ऊंची पहाड़ी पर नंगे पांव चढ़कर भक्त करते हैं दर्शन। मंदिर से जुड़ा है एक दावा, छोटी से मंदिर प्रांगण में समा जाते हैं गांव के लोग, खुद ही बड़ी हो जाती है जगह, भक्त बाबा की भक्ति में भूल जाते हैं सब कुछ। मौका था सावन की पहली सोमवारी का, इसी मौके पर हमारी टीम निकल पड़ी महादेव के दर्शन के लिए। मंदिर के रास्ते में झारखंड की खूबसूरती एक अलग ही छटा बिखेर रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट, चारों ओर लंबे लंबे पेड़ों की डालियां, हल्की हल्की बारिश, मंदिर से दिखता शहर ऐसा लग रहा था मानो सारे कुदरत के करिश्मे जैसे यहाँ एक साथ इकट्ठा हो गए हों। क्यों, आपको भी ये जगह बेपनाह खूबसूरत लग रही है ना? आप भी जाना चाहेंगे ना यहाँ? तो चलिए ले चलते हैं आपको बाबा के धाम। आज सावन की पहली सोमवारी है और इस पहली सोमवारी में मैं आ पहुंची हूँ देवों के देव महादेव के धाम, जो कि झारखंड के एक छोटे से गांव में बसा है। झारखंड जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक ऐसा राज्य है जो अपने आप में ही एक प्रकृति की अलग छटा बिखेरती हो, और यहाँ ही एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है गगारी गांव। और इस गांव में पहाड़ पर चढ़कर लगभग 4000 फीट ऊंची पहाड़ी पर भगवान शिव जी की एक मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि ये जो मंदिर है यहाँ पर भगवान शिव की आपरूपी शिवलिंग है, जो खुद ही शिवलिंग निकली थी, जिसके बाद से ही यहाँ पर लोग मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा करने आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो रास्ता है वो बिल्कुल भी बना हुआ नहीं है, और जो बरसात का पानी यहाँ से धारा बनकर निकलती है उसी धारा को अब यहाँ पर रास्ता बना लिया गया है। भक्त इसी रास्ते से चढ़कर, खड़ी चढ़ाई चढ़कर भगवान शिव की पूजा करने जाते हैं, आराधना करने जाते हैं। और जैसा कि आज पहली सोमवारी है, इस पहली सोमवारी में मैं आपको ले आई हूँ भगवान शिव के धाम। ये जो मंदिर है आप देख सकते हैं यहाँ से 4000 फीट की ऊंचाई पर है। आप उस तरफ देखेंगे तो आपको राजधानी रांची की खूबसूरत नज़ारे नजर आएंगे। प्रकृति की गोद में बसा है ये गगारी गांव, और इस तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ जो आपको प्रकृति का सुंदर नज़ारा दिखाई देगा, ऐसा लग रहा है कि प्रकृति बाहें फैलाए आपका स्वागत कर रही है। और जिस तरीके से ये मंदिर यहाँ पर गगारी गांव के पहाड़ पर बसा हुआ है, ऊंचाई पर बसा हुआ है, इससे ऐसा लग रहा है कि आप प्रकृति की गोद में जाकर समा रहे हैं। ये जो खूबसूरत नज़ारा है, ये केवल आपको इस तरीके का नज़ारा झारखंड के ही कुछ गांवों में देखने को मिलेगा। और आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि ये जो मंदिर है, हालांकि कई लोगों को इस मंदिर की जानकारी नहीं है, और सबसे खास बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ से ही ये जो पहाड़ी आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, इस पहाड़ी से ही कर्क रेखा गुजरती है, इसी गांव से कर्क रेखा गुजरी है। और इसके साथ ही साथ इस गांव को झारखंड का छोटा मेघालय भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर सालों भर वर्षा होती है, जहां एक तरफ अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाता है कि बारिश का मौसम आता है, लेकिन यहां पर सालों भर थोड़ी थोड़ी वर्षा होते रहती है, इसीलिए इसे मिनी मेघालय के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ
एक स्थान है जहाँ की इतनी सारी खूबियां हैं। आज पहली सोमवारी है सावन का, भक्तों के बीच में जो भक्ति और उल्लास आपको देखने के लिए नजर आएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि भक्त अपनी भक्ति में रमाए हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर का। तो देखिए, हम आधा दूरी हमने तय कर लिया है, आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, चुनौती बढ़ती जा रही है यहाँ पर, क्योंकि जो है रास्ता नहीं है और लोग ऐसे ही ऊपर चढ़ते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे नज़ारा, आपको इतना सुंदर नज़ारा राजधानी रांची और आसपास के इलाका का दिखाई देगा। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ से अलग अलग चार ज़िले आपको दिखाई देते हैं। आप जैसे जैसे मंदिर के ऊपर जाएंगे, आपको यहाँ के आसपास चार ज़िले नज़र आएंगे। तो ये एक खास बात है यहाँ की, एक मंदिर है और यहाँ की अनेक खासियत है। आगे भी आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ नज़ारा है। हर हर महादेव। इस पहाड़ी और इस मंदिर में आने के बाद केवल एक ही गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और वो है हर हर महादेव। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस पहाड़ पर इस मंदिर में आने के लिए कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 5000 फीट ऊंची पहाड़ी पर बसा ये मंदिर, जहां बच्चे से लेकर बूढ़े तक कितनी मेहनत के साथ चढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी भक्ति खत्म नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि यहां से आपको दूर दूर तक प्रकृति की का जो ये नज़ारा है वो दिखाई देगा और इससे समझ में आएगा आपको कि कितनी ऊंचाई पर बसा है ये मंदिर। इस पहाड़ी से खासियत ये है कि यहाँ पर चार ज़िले आपको दिखाई देते हैं। एक तरफ जहाँ आपको हजारीबाग, बोकारो और इसके साथ साथ राजधानी रांची, खिजरी और ऐसे ही तमाम जो ज़िले हैं वो इस पहाड़ी से नज़र आते हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे तो इस तरफ ये जो मंदिर है, ये ऐतिहासिक मंदिर, इसे यहाँ के लोगों ने श्रमदान से बनाया है, खुद की मेहनत से बनाया है। हर एक व्यक्ति जब इस पहाड़ी पर चढ़ता है पूजा करने के लिए, जो भी भक्त आते हैं वो अपने साथ एक एक पत्थर भी ज़रूर लेकर आते हैं। किन्हीं के हाथों में पत्थर नज़र आता है तो कोई अपने साथ बालू या ईंट लेकर आते हैं और उसके बाद यही के स्थानीय लोगों ने अपनी मेहनत से इस मंदिर को बनाई है। आप देखेंगे कि ये जो मंदिर है, भगवान शिव की जो ये मंदिर है, यहाँ पर भगवान शिव का मान्यता है कि उनकी आपरूपी शिवलिंग देखी गई थी, जहाँ पर भगवान शिव ने खुद ही प्रकट लिया था। उसके बाद इस मंदिर को 2 साल पहले बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी शिवलिंग है और इनकी जो पूजा करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ आकर जल चढ़ाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर इस शिवलिंग के ऊपर एक व्यक्ति एक बार भी अगर कोई व्यक्ति एक लोटा जल चढ़ाता है तो उनकी सारी मन्नतें, सारी मनोकामना पूरी होती है। और अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए लोग यहाँ तक चढ़कर आते। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की। इस मंदिर में ये तो अपरूपी है और इसमें किसी किसी का दर्शन भी भोला जी दिए हैं, तो इसमें जो मनोकामना जो चाहता है, अगर जिसका पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, भोला जी वो चीज़ देते हैं। और जिनका जो भी जिसे दुख तकलीफ से अगर परेशान है तो वो हम लोग यहाँ से फिर जो फल प्रसाद देकर उनको फिर ठीक करते हैं। तो ये जो मंदिर बनाई गई है कैसे बनी है, क्योंकि रास्ता नहीं है, यहाँ पर लोग कैसे आकर मंदिर बनाए? हम लोग नीचे से झोला में गिट्टी बालू इस तरह से सीमेंट लेकर चढ़ाते थे, रस्सी में जिससे जो सिक्का भार करते हैं हम लोग, उस तरह से हम लोग भार बना के चढ़ाए हैं, इतना काम किए हैं। और अभी हम लोग को सीढ़ी भी बनाना है और सरकार की ओर से हम लोग कुछ महीने की व्यवस्था चाहिए हम लोग को, तो यहाँ और ये थोड़ा सा ठीक ठाक से होगा, काफ़ी ऊँचाई पर है इसलिए लोगों के मन में उतना ध्यान नहीं आता है। इस मंदिर को बनाने के लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ मदद मिली है? हम लोग सिर्फ हम लोग 4 गो बस्ती का हम लोग हैं, सब चंदा करके हम लोग इसको खड़ा किए हैं। और यहाँ की क्या मान्यता है इस मंदिर में, जैसा कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर कितने भी लोग आए जगह कम नहीं होती, क्या कुछ इसकी सच्चाई है? इनकी आज से नहीं, सतयुग से ही, सतयुग द्वापर त्रेता युग से भगवान का जो जिस समय हनुमान जी जब लंका जा रहे थे उसी समय यहाँ प्रवेश करने से जो पहाड़ जो गिरा है उसी का जो है कृपा है। और गांव के लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ उनको पूरा हो जाता है तो आकर के फल प्रसाद यहाँ चढ़ाता है। ये जो मंदिर है, यहाँ पर जब आप लोग आते हैं पूजा करने के लिए, आपकी मन्नत पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है? हाँ, दूसरा को नहीं पता, उन लोग का होता है नहीं, पर हम मेरे को जो ट्रस्ट है वो बता रहे हैं
इसमें जो भी हम कुछ बोलते हैं वो मेरे सास होता है, इसलिए हम यहाँ पास आते हैं। यही गांव के रहने वाले हैं और हर प्रत्येक सावन के सोमवार को हम आते हैं, हमने बल्कि सारे लोग आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ मांगी थी और वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती फिर भी पूरी हुई जो आप यहाँ से मांग के गई थी, ऐसी कोई वाक्य है? हाँ, इसी बार हम दो मान्यता ही से मांग के गए थे, इसलिए हम आए हैं। प्रत्येक मेरा खुद का प्रॉब्लम है, फिर भी हम आज यहाँ ऊपर आए हैं। कलश आप सिर पर लिए हुए हैं, क्या क्या किया आज आप लोगों ने सुबह से मंदिर में आकर? बस यानी नदी से जल उठाए, जल उठाकर जस्ट यहाँ आए हुए हैं, ऊपर में पूजा किया और नीचे आ रहे हैं अभी। कितने बार आप लोग आज मंदिर में ऊपर नीचे आपने चढ़ाई की है? आज एक बार फर्स्ट है यही। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर में आज सुबह ही कलश भी उठाया गया था। कई श्रद्धालु मंदिर से कलश लेकर के नदी में गए थे, पानी उन्होंने भरी, उसके बाद यहाँ पर आए। और मैं पीछे आप देखेंगे नजारा जो है 5 फीट ऊपर पहाड़ी पर, 5000 फीट ऊंची पहाड़ी पर ये मंदिर मौजूद है। बगल में पहाड़ियाँ आप देख सकती हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, और जो यहाँ के नज़ारे है, जो प्रकृति की छटा बिखेर रही है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि जो प्रकृति है वो खुद बाहें फैलाए आपका स्वागत कर रही है। और खास तौर पर ये जो मंदिर है, ये लग रहा है कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक मंदिर है जहाँ लोग पूजा करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जगह नहीं है बैठने के लिए, इसलिए लोग पहाड़ों से ही चढ़ाई करते हैं। नीचे आप देखेंगे कि लोग किस तरह से चढ़कर यहाँ पर आते हैं। मंदिर भी काफी छोटी है और यहाँ की जो मान्यता है, मैं आपको बताऊँ कि जो मान्यता है वो इस मंदिर की काफी अलग है। इसे छोटा मेघालय भी कहा जाता है। बता दूं कि इस पहाड़ से अभी जो मैं खड़ी हूँ, जिस पहाड़ पर, ये लगभग 5000 फीट ऊंचाई पर ये पहाड़ स्थित है और यहीं से कर्क रेखा गुजरती है। इतना ही नहीं, इसे मेघालय के नाम से भी जाना जाता है, मिनी मेघालय, जो झारखंड में एक छोटे से गगारी गांव है, इसे मिनी मेघालय भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सालों भर बारिश होती रहती है। और मंदिर की भी मान्यता कुछ ऐसी ही है कि वर्षा के लिए जो किसान है यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ की जो मंदिर की पीठ है वो काफी छोटी है जहाँ पे भगवान पूजा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग यहाँ पर आते जाते थे वो जगह खुद ही बड़ी होती जाती थी। हजारों वर्षों पहले से लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं, हजारों वर्षों पहले से लोगों की आस्था है यहाँ पर, मान्यता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो भक्त है वो किस प्रकार से भगवान की भक्ति में रमाए हुए हैं। गाना बजाए जा रहे हैं जिससे कि यहाँ पर डांस हो रही है। कब से यहाँ पर पूजा करने के लिए आ रहे हैं? ये 2000 से। क्या कुछ मान्यता है इसमें? बहुत सारी मान्यता है इसमें। इस अखाड़ा में जब पानी जब नहीं आता था, पूर्वज लोग का कहना था कि पानी जब नहीं आता था तो ये 7 गांव का आदमी लोग इस एरिया में पूरा आके नाचते थे और पूरा इस पर पूरे आदमी लोग आंट जाते थे, ये इतना मान्यता है। और उसके बाद भी यहाँ पे पूरे जिस रात को नित गान करते हैं उसका दूसरा दिन से पानी आना शुरू हो जाता है, इतना यहाँ सच्चाई है। आज भी है सच्चाई यहाँ पे, आज भी देखिए यहाँ कितने भक्त लोग यहाँ नाचते गा रहे हैं। और हम लोग इस मंदिर को बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, एक एक ईंट, एक एक पत्थर इस मंदिर को आज हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं। और अभी लगे हुए हैं कि ये मंदिर किसी न किसी रूप में अच्छा से अच्छा हम लोग बना पाए। देखिए आज भी देखिए यहाँ ये लोग जो नृत्य गान कर रहे हैं, समझे ना, ये सब पूरा यहाँ देखिए भगवान शिव की भक्ति में रमाए हुए हैं सभी भोले के भक्त। यहाँ पर महिलाएं बाल खोल कर नाच रही हैं 5000 ऊंची पहाड़ी पर। ऐसा नजारा आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, ये नजारा आपको केवल झारखंड में ही दिखेगा। और आप देख सकते हैं कि ये मंदिर, जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है, यहाँ पर इस तरीके का जो नजारा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे झारखंड में भगवान शिव के भक्त मौजूद है। देखिए इतनी ऊंची पहाड़ी पर महिलाएं चढ़ी है थक हार कर, फिर भी इनकी शक्ल पर थकान नजर नहीं आ रही है, सब खुश है, भगवान की भक्ति में रमाए हुए हैं। इधर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, महिलाएं जो है नाचती हुई नजर आएगी आपको, भगवान भोले की गाना गाए जा रही है। Thank you.
भगवान का नाम लेकर के नाच रहे हैं। भक्ति में रमाए हुए भक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे। देख सकते हैं कि जो इस वक्त यहाँ का नजारा है ये अपने आप में बिल्कुल अद्भुत नजारा है। हर कोई भगवान की भक्ति में खोया हुआ है, को दुनिया से किसी को कोई मतलब नजर नहीं आ रहा है। और ये जो आप देखेंगे कितनी ऊंचाई पर लोग हैं, ये देखिए यहाँ से नीचे आपको दिखाई देगी राजधानी, इतने ऊंची पर चढ़ करके ये लोग आए हैं यहाँ पर। और जो नजारा आप देख रहे हैं सामने, भगवान की भक्ति में लोग रमाए हुए हैं। शिव की भक्ति आपको नजर आ रही है। पवित्र महीना सावन शुरू हो चुका है और इस सावन महीने में मेरे पीछे जो नारे लगाए जा रहे हैं भगवान शिव के गानों पे लोग थिरक रहे हैं, भक्तों की भक्ति नजर आ रही है सराबोर यहाँ पर भक्ति में। ये सभी महिलाएं हैं, भगवान शिव के लिए आप डांस कर रही हैं, झूम रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए अभी जो है, अभी यहाँ सभी लोग भक्ति में डूबे हुए हैं, अभी इन्हें केवल भगवान नजर आ रहे हैं, भगवान शिव नजर आ रहे हैं और यहाँ अलग भक्ति की धुन आपको नजर आएगी। तो ये झारखंड है, ऐसा अद्भुत नजारा आपको केवल झारखंड में ही नजर आएगा। ये झारखंड की राजधानी रांची से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित गगारी गाँव का नजारा है और यहाँ पर इस तरीके से सावन का सोमवारी मनाई जाती है। सावन की सोमवारी इस तरीके से भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। रांची से मैं कीर्ति सिंह।